गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इंजीनियरिंग पीजी कॉलेज। टुडे वी डिस्कस अबाउट एनर्जी डेंसिटी ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और ये आज हम बताएंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। कोई भी वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव या कह सकते हैं साउंड वेव, जब मोशन करता है किसी भी मीडियम में, वह ऑलरेडी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। कोई भी वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, जब मोशन करता है किसी भी मीडियम में, यह क्या होता है, ऑलरेडी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सरल आवर्त गति होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब कि एन ऑसिलेशन टू एंड फ्रो, इट्स डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। फोर्थ मतलब कि यहाँ पे कह सकते हैं कि यह प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यक्स होता है। यह प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यक्स होता है। इस कंडीशन में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव, लाइट वेव या कोई वेव्स होती है, वह ऑलरेडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वी नो दैट इन प्रोग्रेसिव वेव मोशन, प्रोग्रेसिव वेव मोशन जो होता है कि प्रोग्रेसिव वेव मोशन दो प्रकार से होता है। प्रोग्रेसिव वेव मोशन जो होता है दो प्रकार से होता है, आपका लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो जो प्रोग्रेसिव वेव मोशन होता है दो प्रकार से होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है और ट्रांसवर्स होता है। इस कंडीशन में कि जो यहाँ दिया गया है कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मीडियम, अर्थात जो पार्टिकल्स होते हैं वेव के, जो पार्टिकल्स होते हैं वह क्या होता है, मीडियम में उनका ट्रांसफर नहीं होता है। जो वेव्स के पार्टिकल होते हैं उनका मोशन मीडियम में नहीं होता, लेकिन देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, अर्थात तरंग के संचरण की दिशा में केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी होता है आज गिव वन पार्टिकल टू अंदर, यह क्या होता है कि जो वेव का फॉर्म बनता है वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसके जो पार्टिकल होते हैं वह क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वह केवल वाइब्रेट करते हैं। एनर्जी का ट्रांसफर वन मीडियम टू मतलब कि वन पार्टिकल टू अंदर एनर्जी का ट्रांसफर होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव तरंग की संचरण की दिशा के रूप में। अब बिकॉज न्यू वेव आर कंटिन्यूसली फॉर्म्ड एट द हेड ऑफ द वेव, तो एक नया वेव क्या होता है, लगातार प्राप्त होता रहता है। जैसे कि कोई रस्सी को अगर हम एक सिरे को बांध दें, दूसरे सिरे को अप डाउन हम करते हैं, तो कंटिन्यू एक नया वेव प्राप्त होता रहता है। सो देयर इज कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो इस कंडीशन में लगातार एनर्जी का ट्रांसफर संचरण की दिशा में होता रहता है। दिस एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम द सोर्स। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि यह क्या है, फिक्स इंड है और यह बेस लगातार बन रहा है, तो जो एनर्जी सप्लाई हो रही है कहाँ से हो रही है, जब हम अप डाउन करते हैं तो वहाँ से एनर्जी सप्लाई हो रही है, और एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर ऑलरेडी कंटिन्यूसली होता रहता है। या इफ वी इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, हम यहाँ मान लेते हैं इफ वी इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, यदि हम मान लें कि v जो है वह तरंग का क्या है, वेग है, v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, जहाँ पे v क्या है, वेव की वेलोसिटी, देन द एनर्जी पजेस्ड बाय द पार्टिकल इन लेंथ न्यू इज ट्रांसफर्ड पर सेकंड,
द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज पार्शली काइनेटिक एंड पार्शली पोटेंशियल। यहाँ पे वेव की जो वेलोसिटी है वो हम वी मान लें और उसका लेंथ क्या मान लें, न्यू मान लें। और वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं, वेवलेंथ की अगर बात करते हैं, जैसे एक रहा आपका कंप्लीट वाइब्रेशन, ये आपका कंप्लीट वाइब्रेशन रहा, ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। और आप देख सकते हैं कि वेव का जो फेज होता है वह कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। जहाँ ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। और अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन में, एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जितना टाइम लगता है, एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जितना टाइम लगता है वह उसका टाइम पीरियड कहलाता है। और एक सेकंड में जितनी बार दोलन करता है वह उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। और एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में कवर किया गया डिस्टेंस, एक टाइम पीरियड में कवर किया गया डिस्टेंस ही वेवलेंथ ऑफ वेव होता है। अब कि अगर हम मान लें v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ वेव, v क्या है कि तरंग का वेग है, या v वेग से तरंग क्या कर रहा है, अप डाउन कर रहा है, स्पीड ऑफ वेव क्या है, v है। अगर तो यहाँ पे यह वेव पार्शली काइनेटिक और पार्शली पोटेंशियल लगता है। इस केस में पार्शली काइनेटिक और पार्शली पोटेंशियल। यहाँ पे जो एनर्जी होती है ना तो पूर्ण रूप से काइनेटिक होती है ना तो पूर्ण रूप से पोटेंशियल होती है, या आंशिक रूप से काइनेटिक और आंशिक रूप से पोटेंशियल। आंशिक मीन्स ना तो पूर्ण रूप से काइनेटिक ना पूर्ण रूप से पोटेंशियल, ठीक। अब बात आती है काइनेटिक और पोटेंशियल की, तो सिंपली आप लोग छोटी कक्षाओं से डिफिनेशन जानते ही हैं, गतिज ऊर्जा जिसको कहते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। गतिज की बात क्या होती है, क्या होती है, किसी भी पिंड में, किसी भी वस्तु में उसके गति विशेष के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी भी वस्तु में उसके स्थिति विशेष के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के योगफल को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। आपका मैकेनिकल भी वेव भी होता है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, जिस जो कि आता है टाइप्स ऑफ वेव के अंतर्गत। यहाँ पे आप प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो आपका वेव टाइप्स ऑफ वेव होता है यह दो प्रकार से होता है, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव अर्थात यांत्रिक तरंग, ऐसा तरंग जिसको चलने के लिए केवल माध्यम की आवश्यकता होती है, ऐसा वेव जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ऐसे वेव को, ऐसे तरंग को हम यांत्रिक तरंग या मैकेनिकल वेव कहते हैं। और ऐसा वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। और जो आपका साउंड वेव होता है वो मैकेनिकल वेव होता है, लाइट वेव जो होता है वह नॉन मैकेनिकल होता है। तो यहाँ पे इस में क्या होता है, जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है वन पार्टिकल टू अंदर, तो यहाँ पे न तो पूर्ण रूप से काइनेटिक होता है न तो पूर्ण रूप से पोटेंशियल होता है। द काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स फॉर ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है, जो काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है, यह पार्टिकल, अभी हमने आपको बताया कि जो यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वह क्या करेंगे, वाइब्रेट करते हैं, वह वाइब्रेट करते हैं एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसा मोशन करते हैं, सरल आवर्तगत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेव्स होंगे सब में सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करते हैं वह भी क्या होगा, एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा।
द काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फॉर ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजिशन एंड इट इज जीरो एट द एक्सट्रीम पोजिशन। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक, चलिए यहाँ पे हम एक लोलक ही ले लेते हैं, सड़क लोलक ही ले लेते हैं और इसका जो वेव फॉर्म बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा। अगर हम एक लोलक ही ले लेते हैं अब यहाँ पर देखेंगे काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन से क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी और यहाँ पे मिनिमम होगी, क्या काइनेटिक एनर्जी। जब हम बात करेंगे मीन पोजीशन, यह आपका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया या एक्सट्रीम पोजीशन हो गया वेव्स के केस में। इस केस में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। ठीक, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लोलक को इस प्रकार से लिया क्योंकि आप यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात स्वयं हम कर रहे हैं, लेकिन आप वेव्स पढ़ रहे हैं। वेव का जो फॉर्म है इस प्रकार से, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो उत्पन्न हो रहा है वो पार्टिकल के वाइब्रेटिंग के थ्रू हो रहा है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होगा और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। अर्थात कि द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड इट इज जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक उसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, वह मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होगा। अब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा कि मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होगा। और द पार्टिकल आल्सो हैव पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। उसके मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन के थ्रू क्या होगा, वह पोटेंशियल एनर्जी होगा। द पार्टिकल आल्सो हैव पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन एट द एक्सट्रीम पोजीशन। द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड एट द मीन पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ठीक है, क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक घटेगी, दोनों का सम क्या होता है, कंजर्व होता है। इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ आप देख सकते हैं यह क्या है, इसको वेलोसिटी है, यह वेलोसिटी है। यह एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी मिनिमम होगी, मीन पोजीशन मैक्सिमम होगी। अब अगर हम बात कर लें पोटेंशियल एनर्जी की, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अब टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वेव, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। तो इसको आप वो कर लीजिए, तो हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। पहले आप इसको इतना नोट कर लें, टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वेव, लेट द इक्वेशन ऑफ
प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या लेट अस कंसीडर सिंपल हार्मोनिक वेव, लेट द इक्वेशन ऑफ यहाँ कर दीजिए सिंपल हार्मोनिक वेव, लेट अस कंसीडर या लेट सिंपल हार्मोनिक वेव, सिंपल हार्मोनिक वेव की बात करते हैं, सिंपल हार्मोनिक वेव, सिंपल हार्मोनिक वेव, सिंपल हार्मोनिक वेव आपने पढ़ा वाई इक्वल टू ए साइन टू पाई एफ आर लैम्डा बी टी माइनस, जैसे इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, वेव की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव या इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मिल जाएगा। इसको लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू टी द वेलोसिटी ऑफ द वेव या पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। मतलब हम उपरोक्त को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसी क्षण जो पार्टिकल को हमको वेलोसिटी मिलेगी वो मिल जाएगी v बराबर डी वाई अपान डी टी। डी वाई अपान डी टी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ होता है, इसको हम टी के रिस्पेक्ट जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई अपान लैम्डा ए साइन क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई अपान लैम्डा वी टी माइनस यक्स इक्वेशन नंबर 2। क्यों, अब जब हम टी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 2 पाई ए यहाँ वी भी हो जाएगा 2 पाई वी अपान लैम्डा कॉस 2 पाई अपान लैम्डा वी टी माइनस एक्स, क्योंकि एक्स का 0 हो जाएगा टी का 1 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया। अब उसके बाद क्या प्राप्त करना है, द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, द एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, उस क्षण पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू डी टू वाई अपान डी एक्स टू। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर ए साइन 2 पाई अपान लैम्डा वी टी माइनस यक्स, और कास क्या होता है माइनस साइन, इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ये हो गया वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, इसका मतलब यह माइनस साइन जो है यह डिनोट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। यहाँ लिख दीजिए माइनस साइन, नेगेटिव साइन indicates that acceleration directed towards mean position, directed towards mean position, ठीक है। यहाँ पे हमने एक सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन लिया, अब उस यहाँ से हमको मिल गया वेलोसिटी मिल गया और एक्सेलरेशन मिल गया। जो नेगेटिव साइन है वह इंडिकेट करता है जो एक्सेलरेशन है वह क्या है, मीन पोजीशन की ओर है। आप काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लीजिए और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लें, इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ आप देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, लेट वो बी द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। हम मान लेते हैं कि जो आपका मीडियम है या मीडियम आपका गैस है या लिक्विड है जो भी है,
तो उस मीडियम की जो डेंसिटी है वो क्या है, रो है। और देन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अभी जैसा आपने निकाला है, क्या निकाला है, तो के इक्वल टू 1/2 रो। तो वी का मान कितना मिला है, वी का मान आपको मिला है कि 2πAv/λ, 2πAv/λ cos 2πλ vt-, यही मिला है। इसका स्क्वायर है, चलिए स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो गया, अब हो गया 1/2 रो इंटू 4π² A² V² / λ² cos स्क्वायर 2π/λ vt-x। इतना हो गया, यहाँ से कुछ कटेगा, 2 2 जा 4, अब आपको मिल गया 2π² A² ρ² V² / λ² cos² 2π/λ vt-। इतना मिल गया, किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इसको आपको इक्वेशन मान लीजिए, 2π² A² ρ² V² / λ, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। ये मिल गया आपको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्या निकालेंगे, आप पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्या निकालेंगे, आप पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से आपने काइनेटिक एनर्जी निकाला, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 ρ² हमने वैल्यू रख दिया। टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम द इट्स मीन पोजिशन टू ए डिस्टेंस वाई, वर्क डन टू बी डन अगेंस्ट एक्सेलरेशन। यहाँ पे मेन पोजीशन से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है क्या है, वाई है, तो फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द डिस्प्लेसमेंट एट मेन पोजीशन, तो मेन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वाई है, क्या है, वाई है, तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एक्सेलरेशन, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एक्सेलरेशन। तो यहां से इसका मतलब फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, 4 × डिस्प्लेसमेंट। तो कार्य किसे कहते हैं, किसी भी पिंड पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। फॉर द मीडियम ऑफ डेंसिटी रो द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। पहले आप इतना नोट करें, फिर ऊपर से हम इरेज करते हैं। यहाँ देखिए, फॉर द मीडियम द डेंसिटी रो, फॉर द मीडियम द डेंसिटी रो, फॉर द मीडियम डेंसिटी इज रो, तो यहाँ पे माध्यम की जो डेंसिटी हो क्या है, रो है। द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम फॉर स्मॉल किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी वाई है,
यहाँ पे रो क्या है, किसी माध्यम की डेंसिटी है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वह क्या है, वाई है, डिस्प्लेसमेंट वाई है। लेकिन जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, डी वाई हो गया। तो इसका मतलब आपका हो जाएगा कि रो इक्वल, मतलब कि इक्वल टू रो फोर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी, फोर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी अपॉन लेमडा स्क्वायर साइन टू पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस यक्स, यही हो जाएगा। फोर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ए नहीं होगा जी, ए स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ए इज क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये आपका एम्पलीट्यूड है। फोर पाई स्क्वायर ए वी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साइन टू पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस यक्स इंटू डी वाई, इंटू डी वाई क्या होता है कि आप जानते हैं क्या कि वाइकडन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब यहाँ से के हम क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल वर्क डन फॉर ए डिस्प्लेसमेंट वाई, टोटल वर्क डन फॉर ए डिस्प्लेसमेंट वाई। तो क्या हो जाएगा, जीरो टू वाई, कहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला जा रहा है, तो जीरो टू वाई रो फोर पाई स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साइन टू पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस, यही हो जाएगा इंटू डी वाई। ठीक, अब ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट वाई इक्वल टू क्या था, ए साइन टू पाई अपान लेमडा वी टी माइनस यक्स, यही था। तो यहाँ से ए साइन टू पाई अपान लेमडा वी टी माइनस यक्स, तो क्या मिल गया आपको, मिल गया जीरो टू वाई रो फोर पाई स्क्वायर वी स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, क्योंकि इसके बराबर क्या है, वाई है, तो ये क्या हो गया आपका, वाई हो गया। जब ये वाई हो गया अब क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क डन निकल जाएगा, टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जब इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ से देख लीजिए, अब क्या हो जाएगा, सामने कर दे रहे हैं जो वैल्यू है, कॉन्स्टेंट को बाहर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, फोर पाई स्क्वायर वी स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर रो जीरो टू वाई वाई इंटू डी वाई। ठीक, यही पे आगे कर दे रहे हैं, हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर वी स्क्वायर रो अपान लेमडा स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू, और लिमिट क्या है, जीरो टू वाई है, वाई ही रहेगा, टू टू जा फोर, क्या हो गया, टू टू जा फोर हो गया। तो टोटल वर्क डन कितना मिल गया, टू पाई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टू पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस, यही मिल गया, टू पाई स्क्वायर, अभी क्या है, रो भी है ना जी, हाँ चलिए रो, टू पाई स्क्वायर बी स्क्वायर रो अपान टू लेमडा स्क्वायर, तो यहाँ टू टू जा फोर कैंसिल हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो पोटेंशियल एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम, ये मिल गया। अब हम इसको इक्वेशन नंबर को इक्वेशन मान लेते हैं, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। जब आपका इक्वेशन नंबर 5 हो गया, अब उसके बाद क्या निकाल लेंगे, हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं। अब हम टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ देख लीजिए, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 और 5, तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 को हम जोड़ देंगे, वही टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो ये आपकी एनर्जी डेंसिटी यहाँ से हो जाएगा 2π²v²ρ/λ², ठीक। यहाँ से हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या था, cos स्क्वायर 2π/λvt-x प्लस साइन स्क्वायर 2π/λvt-x, यही था। अब आप टेंथ में इलेवेंथ पढ़े हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। पहले आप इतना नोट करें, फिर ऊपर से हम नोट करते हैं कुछ। अब यहां देखिए एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि आप छोटी क्लास में पढ़े हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से 1 हो जाएगा तो ये मिल जाएगा आपको 2π²v²ρ/λ². ये मिल गया एनर्जी डेंसिटी। लेकिन आप जानते हैं बट v इक्वल टू एल लैम्डा क्या होता है, v इक्वल टू एल लैम्डा। तो जब v इक्वल टू एल लैम्डा होता है तो यहाँ हो जाएगा 2π²n²λ²ρ/λ² कैंसिल हो गया, तो मिल गया 2π²n²ρ। क्या मिल गया, 2π²n²ρ। एक मिनट, अभी ए स्क्वायर भी है ना जी, यहाँ से ए, एक मिनट, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक। इसका मतलब यह है कि ये आपको मिल गया एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू 2π²n²a²ρ, 2π²n²a²ρ। तो इसका मतलब द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आर इक्वल एंड इच इज इक्वल टू हाफ द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल इज डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका मतलब यह है दैट इज ई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, E प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी अगर हम E मान लेते हैं, इसका मतलब ये है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और एवरेज काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, दोनों क्या है, समान है, दोनों समान है, तो एनर्जी डेंसिटी जो होगा वह एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरी पार्टिकल विल चेंज विद टाइम, बट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, नोट
द काइनेटिक एनर्जी, के ई का मतलब समझ आया, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी चेंज विथ टाइम, विथ टाइम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट विद टाइम। इसका मतलब ये है गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा समय के साथ साथ बदलता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम समय के साथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब द करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया मतलब करंट डेंसिटी या करंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, करंट एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आल्सो रिमेंस कांस्टेंट। अब बात करते हैं एनर्जी फ्लक्स और एनर्जी करंट की, इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम बताते हैं एनर्जी फ्लक्स अथवा एनर्जी करंट। अब यहां आप देख लीजिए एनर्जी फ्लक्स और एनर्जी करंट किसको कहते हैं। ये आपका एनर्जी फ्लक्स की बात होती है, एनर्जी करंट की बात होती है कि यहाँ पे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए, कि अभी इसके पहले आपने पढ़ा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, फॉर ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव द क्वांटिटी एनर्जी फ्लक्स और एनर्जी करंट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पे द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी के निकलने की दर, मतलब राइज होने की दर जो होती है अक्रॉस द यूनिट एरिया, किसी यूनिट एकांक क्षेत्रफल से किसी भी ऊर्जा का निकलने का दर ऑफ द वेव फ्रंट इज कॉल्ड द एनर्जी फ्लक्स। इसका मतलब किसी भी एकांक क्षेत्रफल से तरंगाग्र के ऊर्जा के निकलने की दर जो होती है वह एनर्जी फ्लक्स अथवा एनर्जी करंट कहलाती है। अर्थात द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी अक्रॉस यूनिट एरिया ऑफ द वेव फ्रंट इज कॉल्ड द एनर्जी फ्लक्स। यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी का राइज होना, निकलना कहाँ से, अक्रॉस द यूनिट एरिया एकांक क्षेत्रफल से ऑफ द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट मतलब होता है तरंगाग्र। तो हम मान लेते हैं कोई वेव्स है, कोई वेव्स है वह वी वेग से चल रहा है, वी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वी पर सेकंड। तो यहाँ पे जो यह वेलोसिटी होगी वह क्या होगी, वेव वेलोसिटी होगी आपकी, वेव वेलोसिटी मतलब एज द वेव ट्रेवल्स द डिस्टेंस वी पर सेकंड, इविडेंटली द एनर्जी करंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एनर्जी डेंसिटी एंड वेव वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो एनर्जी करंट होगा वह एनर्जी डेंसिटी और वेव वेलोसिटी के प्रोडक्ट अर्थात गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात एनर्जी करंट इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू वेव वेलोसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अभी हमने आपको निकाला 2π² रो एन स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ वेव वेलोसिटी के बीच हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आपको एनर्जी करंट मिल गया। एनर्जी करंट इक्वल टू 2π² एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें हम आपको एक प्रॉब्लम कराते हैं जिससे सारे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपका फॉर्मूला हो गया एनर्जी डेंसिटी फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, एनर्जी करंट हो गया। अब इसमें हम आपको एक न्यूमेरिकल करा देते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जितने डाउट हैं सब आपके क्लियर हो जाएंगे। इसको एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए। और हाँ, इसका जो नोट्स है वो आपको PDF के रूप में आपको कॉलेज के ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है, इसको आप नोट करें। यहाँ पे आपने मेडिकल देखिए क्या कर रहा है, ए सोर्स ऑफ साउंड हैज ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 512 हर्ट्ज एंड एन एम्पलीट्यूड
0.25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी अक्रॉस द सोर्स सेंटीमीटर पर सेकेंड, इफ दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड एंड द डेंसिटी ऑफ एयर इज 0.00129 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे जो दिया गया है इसको आप पहले नोट कर लीजिए, क्या क्या दिया गया, क्या पूछा, गिवन दैट यन इक्वल टू दिया गया कितना 512 हर्ट्ज दिया गया है। चलिए एंड एन एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू कितना दिया गया 0.25 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि इफ दैट वेलोसिटी ऑफ सोर्स इन एयर अर्थात v इक्वल टू दिया गया है 340 मीटर पर सेकंड दिया गया है, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड बदलेंगे 3400 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है सेंटी अब मीटर को सेंटीमीटर बदल देंगे तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है एंड द डेंसिटी ऑफ एयर रो इज इक्वल टू हो गया 0.00129 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या आपके वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए क्या पूछा, व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी अक्रॉस द सोर्स सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एनर्जी करंट पूछ रहा है। अब सबसे पहले आप एनर्जी डेंसिटी निकालने हैं, वी नो एनर्जी डेंसिटी E इक्वल टू क्या था 2π² a² n² ρ, यही था 2π² a² n² ρ था। अब हमको निकालना है ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी या उसी को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी को ही बोलते हैं एनर्जी करंट ही होता है ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी अक्रॉस द सोर्स सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2π² a² n² ρ v। अब हम क्या करेंगे यहाँ से वैल्यू रख देंगे, जब वैल्यू रख देंगे हो गया 2π का मान 3.14 का स्क्वायर, ए का मान आपको दिया गया है 0.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यन का मान कितना दिया गया, यन का मान दिया गया 512 हर्ट्ज स्क्वायर हो गया, रो का मान दिया गया है इंटू 0.00129। उसके बाद वी का मान कितना दिया गया है, वी का मान दिया गया है 34,000, ठीक है ये आपको मिल गया एनर्जी करंट मतलब ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी अक्रॉस द सोर्स। ये वैल्यू आपको फाइंड करना, व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी अक्रॉस द सोर्स सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यहाँ से इसी का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाता है 1.0 यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1.47 × 10⁻⁷ आर पर सेंटीमीटर, ये आप हो गया एनर्जी करंट। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ये आपका फॉर्मूला क्लियर होता है, ये आपका न्यूमेरिकल क्लियर होता है और ये आपका टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम जो भी टॉपिक होगा जो भी सब्जेक्ट का, अब यहाँ पे आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। थैंक्स।